from Justice for Society, and the topic for today's discussion is Section 354A, 354B, 354C and 354D of IPC. So let's begin. आज हम बात करेंगे सेक्शन 354A जो कि डील करता है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की. देखिए, यहाँ अगर कोई मैन किसी वुमेन को इंटेंशनली टच करते हैं और ये टच रॉन्ग होना चाहिए या उसे कुछ सेक्सुअल टोन में कहते हैं. सेकेंडली, ये कहते हैं कि अगर कोई मैन किसी वुमेन से डिमांड करता है सेक्सुअल फेवर की. थर्ड, ये कहता है कि अगर कोई मैन किसी वुमेन को उसके विल के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाता है. फोर्थ, ये कहते हैं कि अगर कोई मैन किसी वुमेन को सेक्सुअली कलरेबल रिमार्क्स अगर दिखाते हैं तो ये पर्सन जिन्होंने ये चारों एक्ट किए हैं या इनमें से कोई भी एक एक्ट किया है वो लाइबल होगा सेक्शन 354A में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, जिसकी पनिशमेंट भी सेक्शन 354A में ही दी है. जिसके लिए वो ये कहते हैं कि अगर उसको फिजिकली कॉन्टैक्ट किया गया है या फिजिकल टोन में उससे कुछ कहा गया है या कोई डिमांड की गई है या कोई रिक्वेस्ट की गई है और उसे पोर्नोग्राफी दिखाई है तो वो पर्सन लायबल होगा 3 इयर्स के रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए. उसके बाद ये कहते हैं कि अगर किसी मैन ने किसी वुमेन को सेक्सुअली कलरेबल रिमार्क्स दिखाए हैं तो ये पर्सन लायबल होगा 1 ईयर तक के इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो कि सिंपल या रिगरस में से कोई भी हो सकता है. और आप ध्यान दें तो सेक्शन 354A में तो ये कहा भी गया है कि किसी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स नहीं किया गया है. उसके बाद आते हैं सेक्शन 354B पे, जो कि डील करता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्ट्रो. देखिए, यहाँ सेक्शन 354 में ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हैं वे असॉल्ट का यूज करते हुए वुमेन के ऊपर किसी और पर्सन को एबिट करे कि इस वुमेन के साथ तुम्हें क्रिमिनल फोर्स यूज करना है. क्यों करना है? क्योंकि वुमेन को डिसरोब करना है. तो अब हम समझते हैं डिसरोब का मतलब क्या है. यहाँ पे वुमेन को डिसरोब का मतलब है वुमेन को कंप्लीटली नेट करवाना या स्लाइटली नेट करवाने के लिए अगर कोई पर्सन कोई मैन ऐसा एक्ट करता है तो वो लाइबल होगा सेक्शन 354B. इसे हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से. मान लीजिए कोई पर्सन इंटेंशनली या नोइंगली किसी वुमेन की चुन्नी या दुपट्टा खींचता है तो वो पर्सन लाइबल होगा सेक्शन 354B में और साथ ही सेक्शन 509 में. अब हम बात करते हैं सेक्शन 354C की, जो डील करता है वॉयरिज्म से. देखिए, यहाँ सेक्शन 354 में वो कहना चाहते हैं कि अगर कोई वुमेन किसी प्राइवेट प्लेस पर है जहाँ वो कोई प्राइवेट एक्ट कर सकती है, जैसे अपने बेबी को फीड कराना या कोई वॉशरूम है जहाँ पे वो कोई या कोई वॉशरूम है या कोई ट्रायल रूम है जिसके अंदर वो है और कोई दूसरा पर्सन उसे किसी सोर्सेस के थ्रू देख रहा है, उसकी इमेज कैप्चर कर रहा है, या तो वो पर्सन लाइबल होगा सेक्शन 354C में वायरिज्म के लिए. वो कहते हैं कि अगर किसी ने किसी तरह का एक्ट फर्स्ट टाइम किया है तो वो ऑफेंडर लाइबल हो सकता है 3 इयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट के लिए. और अगर वो एक बार करने के बाद दोबारा इस तरह का एक्ट करता है तो वो पर्सन सेकेंड कन्विक्शन में लाइबल होगा 3 इयर्स से 7 इयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट के लिए. अब हम बात करते हैं सेक्शन 354D की, जो कि डील करता है स्टॉकिंग से. देखिए, यहाँ इस सेक्शन में कहता है कि अगर कोई मैन किसी वुमेन को फॉलो करता है, उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता है और वो ये जानता है कि वुमेन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और उस वुमेन को उसमें
कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो उसे फॉलो कर रहा है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई मैन उस वुमेन को मॉनिटर कर रहा है इंटरनेट के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू उसे मैसेज कर रहा है और ये चीज बार बार कर रहा है, तो वो पर्सन लाइबल होगा सेक्शन 354D में स्टॉकिंग के लिए। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।